असल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। तो यार, हमारी जो नई गाय का बच्चा है वो मुझे आज लग रहा है कि काफ़ी हेल्दी हो चुका है और हमारी हवेली से काफ़ी आदी भी हो चुका है। और ना आदी तो होना था ही इसने, लेकिन उसके साथ साथ अपने इस शरारती भाई के साथ रह रह के ये भी शरारती हो गया। सगा भाई तो नहीं, मतलब दोस्त, इसके साथ रह रह के ये भी शरारती हो चुका है बहुत। और ये इतनी शरारती करता है अगर इसको खोल दें तो। और इसकी अम्मी इसको हर वक्त कहती रहती है कि ना करो शरारतें, ना करो, लेकिन इसकी अम्मी काफ़ी लगता है उससे गुस्से वाली, मिजाज वाली हैं। इस वजह से हमारे ये हर वक्त हमें मारने की हमारे पास आती हैं। तो यार, तो ये किस चीज़ से डर गया जिसको वाशरूम आ गया? वैसे तुम्हारी कोई सहेली बनी, कोई दोस्त, कोई बहन बनी? अगर बनी है तो सारे लो, इस तरह अगर बनी है तो सारी लाना। हाँ, बन गई है, इससे सारी ला दिए। और अगर तुम्हारा ये पक्का वाला दोस्त है तो तुम कूदने लग पड़ना, कूदने लग पड़े। ये भी इसका पक्का वाला दोस्त है। ये देखें, ये हिंदी भी समझ लेते हैं। ये देखें, अच्छा मैं इसको हाथ नहीं लगाता, इसके करीब नहीं जाता, वरना इसकी अम्मी को गुस्सा आ जाएगा। तो मैं दूर आ गया हूँ, वरना उसकी अम्मी ना गुस्से में आ गई थी। हमारी मुर्गियों के लिए सर्दी का रहने का ठिकाना ये देखें, जुगाड़ सर्दी रहने का। तो फ्रेंड्स, ये दरवाज़ा हम लोगों ने इसलिए बंद किया और साइड इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि ये सर्दी में रह सकें, ताकि इनको अंदर हवा ना लगे, वरना ये जैसे इनको दौरे वाली बीमारी, आंख वाली बीमारी, फिर कोई सर्दियों में कोई बीमारी लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने पीछे से और एक साइड से बंद किया है क्योंकि अभी बहुत सर्दी नहीं आई, और जब पूरी सर्दी आ गई तो ये यहाँ से भी बंद कर देंगे और फिर ये महफूज रहेंगी कोल्ड फीवर और नोकैज़ा जैसी बीमारियों से। कुरैज़ा, कोल्ड फीवर, बैठ रहो बैठ रहो बैठ रहो। ये देखिए, मासी खाना खा रही है अपना। ना तुम कोई काम करती हो, ना कोई काज करती हो, खाना तुम्हें मिल जाते है। तो फ्रेंड्स, ये हैं कैदी 805, एक ही सेल के अंदर इतने कैदी बंद हुए। तो यार फ्रेंड्स, बेबी कॉम डाउन हो गए हैं, वो उसकी अम्मी अब थोड़ी शांत हुई और अपना खाना खा रही है। अब ये बैठा है आराम से, हम इसके पास जाते हैं। मैं अपनी गोदी में छुलाता हूँ, एक ये देखें। अब इसकी अम्मी को पता लग जाएगा कि इसका बेटा अनकंफर्टेबल है। इधर करीब तो आओ, तुम काफ़ी शरारती हो यार, तुमने मेरे करीब भी नहीं आना। भाई अम्मी ने भी उसे में आया रहने। तो फ्रेंड्स, इनका खाना तैयार किया जा रहा है जो ये भी खाएगा और उसकी अम्मी भी खाएंगी और खूब इंजॉय करेंगे। और ये देखें, ये कितना शरारती और क्या कार है, क्या इसकी हरकतें हैं। ये आवाज़ अगर आप गौर से सुने ना तो ये इस तरह है, डुन डुन टट, ये इस तरह ढोल की तरह। इनकी फीड चेक करें, इनकी खुराक। ये इनकी खुराक है जो ये बड़ी शौक से खाती है। हाय, तुम लोगों की आज़ादी का कब वक्त आएगा? हाँ,
कोई रिएक्शन ही नहीं है इनका। बहुत भूखे प्यासे हो। बाकी फ्रेंड्स इस ब्लॉग को करूंगा यहाँ पर मैं एंड। जरूर आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भरपूर सपोर्ट दिखाएं। अल्लाह हाफिज़।